Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patil College, Bhandara, Maharashtra. Today we are going to discuss about comma. Comma ek adna sa ek chota sa dikhne wala lagne wala sign hai punctuation ka. Iske bare mein lecture dene ki, samajhne ki, samjhane ki kya zarurat hai? Is mahatvapurna vishay par hum aaj baat karne wale hain. कॉमा का पंक्चुएशन में कितना महत्व है, इंग्लिश में कॉमा कहां कहां पर दिए जाते हैं और कहां पर नहीं दिए जाते हैं, इन दोनों इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे. पंक्चुएशन पर विस्तारित रूप से जानकारी देने वाला एक वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है. हमने उसमें पंक्चुएशंस के अलग अलग साइन सिंबल्स कौन कौन से हैं, कहां पर उनका यूज होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी. उसमें फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क्स, एपोस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क्स, पैरेंथेसिस, कॉलन, सेमीकॉलन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स के बारे में, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हमने बात की थी. पर आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉमा. लेट अस टॉक अबाउट कॉमा नाउ. पंक्चुएशंस के अलग अलग चिन्हों के बारे में, सिंबल्स के बारे में हमें पता है, पर आज हम जिस इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में, जिस इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क के बारे में हम बात करने वाले, वो कॉमा है. कॉमा का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए, क्वेश्चन टैग देते समय, लेटर राइटिंग में एड्रेसेस बनाते समय, ऐसे कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं. तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमा से रिलेटेड अलग अलग रूल्स कौन से है. कॉमा कहां पर इस्तेमाल होता है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इस इंपॉर्टेंट जानकारी को डिस्कस करने से पहले इस बात को भी आप समझ लीजिए कि कॉमा का इस्तेमाल गलत जगह करने से या नहीं करने से क्या क्या हादसे हो सकते हैं इंग्लिश में, ये भी आपको समझना और जानना जरूरी है. पहला सेंटेंस देखिए, लेट्स ईट ग्रैंडपा. यहां पर हमने कॉमा नहीं दिया है. अपोस्ट्रोफी का एक साइन है लेटर्स के लिए, पर कॉमा नहीं है इस सेंटेंस में. इसका मतलब क्या हो गया, लेट अस ईट ग्रैंडपा, चलो दादाजी को खाया जाए. एक कॉमा नहीं देने की वजह से किसी की जान खतरे में आ गई. इस सेंटेंस को सही करना जरूरी हो जाता है. कैसे होगा, लेट अस ईट कॉमा ग्रैंडपा, दादाजी से कहा चलो खाना खाए या चलो कुछ खाया जाए. अब इस कॉमा से ग्रैंडपा की जान बच गई. इसका मतलब यह है कि कॉमा के देने से सेंटेंस का मीनिंग अप्रोप्रिएट हो गया, कॉमा के नहीं देने से सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाता है. तो इस इंपॉर्टेंस को भी आपको समझना होगा. दूसरा एक सेंटेंस देखिए, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, अ वुमन एक महिला, एक स्त्री, विदाउट हर मैन आदमी के सिवा, उसके पति के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा मीनिंग है. पर इसी सेंटेंस में अगर कॉमा का यथोचित जगह पर अगर इस्तेमाल प्रयोग किया जाए तो सेंटेंस कैसे होगा, वुमेन कॉमा विदाउट हर कॉमा मैन इज नथिंग. एक स्त्री के सिवा, एक महिला के अलावा पुरुष कुछ भी नहीं है. इस प्रकार से सिर्फ कॉमा के अप्रोप्रिएट यूज से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. इसलिए कॉमा के इंपॉर्टेंस को समझना उतना ही जरूरी है जितना बाकी पंक्चुएशन मार्क्स को समझना. बिना पंक्चुएशन मार्क्स
के बारे में जाने हम जब भी कुछ लिखते हैं, सूचनाएं बनाते हैं, नोटिसेस बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, तो वो कैसे हंसी मजाक का विषय बन जाते हैं, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ आपके सामने एक सूचना है, अटेंशन, टॉयलेट ओनली फॉर डिसेबल्ड एल्डरली प्रेग्नेंट चिल्ड्रन। अब कोई भी इंग्लिश वाला इस नोटिस को अगर पढ़ेगा तो उसका मीनिंग अलग तरीके से पढ़ेगा, समझेगा। इस सूचना को सही ऐसे होना चाहिए, अटेंशन टॉयलेट ओनली फॉर डिसेबल्ड कॉमा एल्डरली कॉमा प्रेग्नेंट कॉमा एंड चिल्ड्रन या सिर्फ चिल्ड्रन और फिर स्टॉप। इस प्रकार से अगर ये सूचना लिखी जाती तो उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बनता था। ये कॉमा नहीं देने की वजह से पहले सूचना और दूसरी सूचना में अंतर, जमीन आसमान का अंतर है इसके मीनिंग में। इसलिए कॉमा का अपनी यथोचित जगह पर प्रयुक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फेमस एग्जाम्पल आपके सामने है कि कॉमा के यूज नहीं करने के वजह से क्या क्या खतरा हो सकता है, ये जानने के लिए और एक सेंटेंस देखिए। We are going to learn to cut and paste kits. Meaning क्या हो गया? चलो आज हम सीखते हैं बच्चों को कैसे काटते और चिपकाते हैं। अब सेंटेंस कुछ इस तरीके से कहना था कि We are going to learn to cut and paste, comma, kits. बच्चों चलो आज हम कट और पेस्ट कैसे करते हैं ये सीखते हैं, इस प्रकार की सूचना थी। पर एक कॉमा नहीं देने की वजह से दोनों सेंटेंसेस में बहुत अंतर आ जाता है, फर्क पड़ जाता है। इसलिए सेंटेंस में, क्लॉजेस में कॉमा का होना कितना जरूरी है इसका अंदाजा आपको आ गया होगा। वन मोर सेंटेंस इज देयर बिफोर यू। सेंटेंस है, आई लाइक कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। कॉमा नहीं दिया, सेंटेंस का मीनिंग आप समझ गए होंगे। आई लाइक कुकिंग माई फैमिली, मुझे मेरे फैमिली को पकाना एंड माई पेट्स, मेरे पालतू जानवरों को पकाना पसंद है। अब कॉमा नहीं देने की वजह से सेंटेंस का मीनिंग ऐसा ही बनता है। ये सेंटेंस सही कैसे होना चाहिए था? आई लाइक कुकिंग comma my family and my pets. I like cooking, मुझे खाना पकाना, मेरी फैमिली और मेरे पालतू जानवर पसंद है। ये कॉमा देने के वजह से मीनिंग हमारे लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसलिए कॉमा का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर उतना ही है जितना बाकी पंक्चुएशन मार्क्स का है। बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम जानते हैं, उनके प्रयोग के बारे में भी हम जानते हैं। इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमा का इस्तेमाल बहुत ही कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स के तौर पर किया जाता है। पर मॉडर्न टेंडेंसी कैसी है? मॉडर्न टेंडेंसी इज टू डू मिनिमम यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। आधुनिक इंग्लिश में कम से कम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाए, इस बात के ऊपर लोगों का ज्यादा जोर रहता है। पर पंक्चुएशन मार्क्स अपनी अपनी जगह पर कहां लगना जरूरी है, कहां लगना जरूरी नहीं है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस, सबॉर्डिनेट क्लॉजेस आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी सीरीज ऑफ नाउन्स देखेंगे, वर्ब्स देखेंगे, एडवर्ब्स का लिस्ट होगा या एडजेक्टिव्स का लिस्ट होगा, सेंटेंसेस होंगे या सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होंगे, इनको एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमास आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट इंटरजेक्शंस, क्वेश्चन टैग्स एंड टर्म ऑफ एड्रेसेस। अब ये इंटरजेक्शंस जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके पहले हमने पढ़ा है इसके बारे में, उनको सेंटेंस से अलग करने के लिए, अलग दिखाने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन टैग देने से पहले हम वहां भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। और टर्म्स ऑफ एड्रेसेस, जब घर में किसी मेहमान बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, अलग अलग सूचनाएं उनको जो देते हैं, उस हर एक सेंटेंस के बीच में भी कॉमा का प्रयोग होता है। तो कॉमा
अपने ट्रेडिशनल फंक्शन के हिसाब से बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है, पर कुछ अटपटे से सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चंस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, वेदर कॉमा इज पुट बिफोर द एंड, एंड के पहले कॉमा का प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल अभी स्टूडेंट के सामने है। अब इट हैज बीन अ मैटर ऑफ चॉइस नाउ, अभी कॉमा देना है कि नहीं देना है ये हमारी चॉइस का सवाल हो गया, पर फिर भी कॉमा की टेंडेंसी को समझकर कॉमा देना है कि नहीं देना है ये भी हमें समझना पड़ता है। अब पहले एंड के पहले कॉमा देना ये गलत समझा जाता था, जैसे दो एग्जाम्पल आपके सामने है, वी वॉन्ट टू शेयर राइस क्लोथ्स एंड स्वीट्स, ये करेक्ट सेंटेंस माना जाता था पहले ग्रामर के हिसाब से, दिनो इंग्लिश हिंदी। अब यहां एंड के पहले हमने कॉमा का प्रयोग किया है तो पहले इसको गलत समझा जाता था, आज ये चॉइस का हिस्सा हो गया। पर क्या ये चॉइस किसी नियम के आधार पर है क्या? क्या एंड के पहले कॉमा का प्रयोग किया जा सकता है क्या? कहां एंड के पहले कॉमा लगता है और कहां नहीं लगता है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए कॉमा और एंड के कंफ्यूजन को भी खत्म कर देते हैं। यूज अ कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक बट एंड येट सो दैट जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट टूल है वो भी समझ लीजिए, जब एंड के द्वारा दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है तो एंड का प्रयोग करते समय, येट का प्रयोग करते समय, बट का प्रयोग करते समय उनके पहले कॉमा का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू अटेंड मैरिज पार्टी कॉमा बट इट वॉज हैवी रेन आउटसाइड, बट के पहले हमने यहां कॉमा का प्रयोग किया है क्योंकि इट वॉज हैवी रेन आउटसाइड ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वॉन्टेड टू अटेंड मैरिज पार्टी ये पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड से जोड़ा गया है। ऐसे सिचुएशन में एंड के पहले आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। पर दूसरे एक सूचना इंपॉर्टेंट है, डू नॉट यूज कॉमा वाइल ज्वाइनिंग डिपेंडेंट क्लॉजेस विथ द एंड, एंड से अगर डिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़े जाते हैं ऐसे हालत में आप एंड के पहले कॉमा का प्रयोग नहीं कर सकते। कॉमा के प्रयोग करते समय और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझनी जरूरी है, यूज कॉमास आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस कॉमा फ्रेजेस एंड वर्ड्स बिफोर मेन क्लॉजेस। मेन क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ या सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़े जाते हैं, पर अगर सेंटेंस का इंट्रोडक्शन ही सबॉर्डिनेट क्लॉज से होता है तो ऐसे समय मेन क्लॉज के पहले हमें कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल आई वाज रीडिंग अ बुक, ये हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये सबसे पहले आया है सेंटेंस में तो इंट्रोडक्टरी क्लॉज भी हो गया, तो इसके पहले हमें इसके बाद में तुरंत कॉमा का प्रयोग करके फिर मेन क्लॉज लिखना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क I went for lunch, ये main clause है। इसके पहले हमने comma का प्रयोग किया क्योंकि having finished my homework ये subordinating clause introductory clause के तौर पर एकदम sentence के पहले आ चुका है, इसलिए ऐसे situation में आपको subordinate clause के बाद comma का प्रयोग करना है। comma का प्रयोग और कहां पर होता है वो भी जान लेते हैं। Use commas in series, ये तो ट्रेडिशनल पुराना यूज ही है कॉमा का,
जहां पर सीरीज ऑफ नाउन्स, प्रोनाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स आपको दिखेंगे, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एज ए सेपरेटर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज आर वेरी कॉस्टली नाउडेज. दूसरा एक सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में हमने नाउन्स को अलग किया, यहां पर वी वर्ब ओपन द डोर कॉमा एंटर द रूम एंड फेड द डॉग. यहां पर हमने क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को एक दूसरे से कॉमा से अलग किया है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी कहता है कि यूज कॉमा इज ऑप्शनल इन केस ऑफ सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स. अगर कॉमा का प्रयोग करना है, ये कॉमा का प्रयोग आपको एडजेक्टिव के संदर्भ में जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये ऑप्शनल हो जाता है. शी हैज ए लॉन्ग कॉमा रेड एंड स्पॉटेड ड्रेस, कॉमा देकर लिखा तो भी सही है, या फिर शी हैज ए लॉन्ग रेड स्पॉटेड ड्रेस विदाउट कॉमा लिखा तो भी ये सही है. तो दोनों सूरत में चॉइस आपकी हो जाती है, पर ये बात आप, ये लिबर्टी आप सिर्फ एडजेक्टिव के साथ ही ले सकते हैं. कॉमा का प्रयोग कहां पर करते हैं इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की. कॉमा का प्रयोग कहां नहीं करना है वो भी आप जान लीजिए. डू नॉट यूज कॉमा टू सेपरेट अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब. एक सब्जेक्ट को उसके वर्ब से अलग करने के लिए आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, डू नॉट यूज कॉमा टू सेपरेट अ वर्ब फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट. वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, वहां भी कॉमा का प्रयोग नहीं करना है. डू नॉट यूज कॉमा टू सेपरेट अ वर्ब फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्स. जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट की सूरत में आता है, तो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट से अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग आपको नहीं करना है. चौथा एक इंपॉर्टेंट रूल ऐसा है कि लाइक और सच जैसे शब्द अगर आते हैं सेंटेंसेस में तो इनके बाद में भी आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना है. दैट, ये कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कंजंक्शन अगर सेंटेंस में आता है, या सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसे कहेंगी, ये अगर आता है किसी सेंटेंस में तो इसके साथ भी आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना है. और एंड के बारे में आपको हमने पहले ही बताया कि दो डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपस में जोड़ने की आप कोशिश करते हैं तो वहां आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना है. कॉमा एंड के साथ तभी लगेगा जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉजेस आपस में जोड़े जाएंगे. इस प्रकार से कॉमा का यूज कहां करना है और कहां नहीं करना है, इस इंपॉर्टेंट बात को आपको समझना पड़ेगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. द वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश मंसूर.